कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला सीएचओ एक बार फिर प्रोत्साहन राशि की मांग के लिए सीएमएचओ ऑफिस पहुंची, जिसके बाद सीएमएचओ की उपस्थिति में एक संविदा कर्मचारी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। कहा कि अब यह काम नियम से होगा। उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद एक महिला सीएचओ बेहोश होकर गिर गई। उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज जारी है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिले में संचालित हेल्थ और वेलनेस सेंटर में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन माह अप्रैल 2023 से अभी तक यह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की गई है। इससे पूर्व दीपावली के पहले उन्होंने राशि की मांग की थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य उन्होंने जैसे ही आज जिले भर की सीएचओ आई तो ऑफिस के बाहर ही खड़ा होकर उन्हें काफी डांट फटकार लगाई, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मैं कोरिया जिला का सीएचओ प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। सर, आज हम लोग अपने जो हमारे जो कार्य आधारित वेतन है सर, जो हमको पर मंथ दिया था 15,000 रुपये का, मतलब ग्रेड ग्रेड साफ रहता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे उसमें आधारित रहता है वेतन। किसी में मतलब ए ग्रेड में 15,000, बी ग्रेड में 13,000, ऐसा रहता है, डी ग्रेड। सर, उसके लिए हम आज आए थे सर, क्योंकि हमारा चूंकि हमारा 9 महीना हो गया है, आज तक हमारा कार्य आधारित वेतन यहाँ से रिलीज नहीं किया गया है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो भी तब हमको पता नहीं, फंड नहीं, फंड नहीं। आज तक 9 महीना हो गया सर, अप्रैल से अभी तक नहीं मिला है फंड हम लोग को इंसेंटिव का आधार वेतन। क्योंकि हमारा सैलरी सिर्फ सर 15,000 आता है, तो उससे हमारा सर ठीक से घर घर वगैरह सर ठीक से नहीं चल पाता है। और हम लोग उसका सर जो वेतन है सर 9 महीने से रोक के रखे हैं, जो कार आधारित वेतन है यहाँ से जिला से, ये बोलते हैं हमारा फंड पास, वो बोले हमारा हमको यहाँ से पूरा फंड भेज चुके होता है, एक एनसीएम फंड होता है, 15वीं आयोग का फंड है, वो फंड हम यहाँ जिला से भेज चुके हैं। तो अपने जिला में बात करो सर, इसके लिए हम लोग सर आजाद थे। अभी अगर या अभी यहाँ से सर ने जवाब दिए हैं, रिफंड नहीं सर भी इकट्ठा जाने का फैसला। मैं अपने यहाँ जो जिला में सीएचओ हैं पदस्थ, उनका इंसेंटिव अप्रैल से और नवंबर तक नहीं हुआ है, जिसके लिए ये लोग फोन किए थे मेरे को, तो मैं आया था सीएमओ साहब से मिलने। उस संबंध में साहब बताया कि अभी बजट नहीं है, बजट आने का इनका भुगतान कर लिया है। और कोई बातें हुई हो? नहीं, और कोई बात नहीं हुआ है, बस केवल यही इनका इंसेंटिव था अप्रैल से, मान लीजिए 5 महीना तो हो गया, तो ये लोग परेशान थे, तो बोले थे कि आकर के साहब से थोड़ा सा पूछ लीजिए। साहब से चर्चा हुआ तो बोले अभी बजट नहीं है, जैसे बजट आएगा तो इनका इंसेंटिव भुगतान हो जाएगा, ऐसा साहब सीएमओ साहब से चर्चा हुआ है। और बाकी ये कर्मचारी आए थे, ये लोग भी अब जा रहे हैं वापस।